तो गाइज ये हमारा आज का वीडियो क्लास नाइन्थ के एग्जाम से रिलेटेड है। तो क्लास नाइन्थ के एग्जाम हमारे चल रहे हैं, मोस्टली स्कूल्स में एग्जाम हो चुके हैं और मोस्टली स्कूलों में क्या है एग्जाम अभी भी चल रहे हैं। तो जिन बच्चों के एग्जाम हो चुके हैं अब उनको तो बस अपना रिजल्ट का वेट करना है और बस अब उनको टेंथ की प्रिपरेशन में लग जाना है। लेकिन अगर किसी का भी आप एग्जाम रह गए हैं तो आपको अपने एग्जाम कैसे देने हैं, किस टाइप से प्रिपरेशन करनी है, अगर आपने कुछ भी नहीं किया है या फिर जो भी कुछ थोड़ा बहुत कर रखा है उसके बाद आप क्या करें, कैसे प्रिपेयर करें एग्जाम के लिए। तो देखो जैसे हम मैथ्स की बात करें कि भी मैथ्स में आपको क्या करना है, मैथ्स के लिए हमने आपको गाइड किया है कि भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं। जो भी हमने इन सभी चैप्टर्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, इससे पहले हमने एक इंट्रो डाला था इसमें कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन। देखो मैथ्स के लिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क किए हैं, आपको अपनी टेक्स्ट बुक ही करनी है, कोई एडवांस क्वेश्चन कुछ भी करने की कोई भी नीड नहीं है। बस आपको करना है आपके टेक्स्ट बुक को अच्छे से करना है कि भाई पहले आपको सभी एमसीक्यूज क्वेश्चन करने हैं और फिर जो भी हमने इंपॉर्टेंट मार्क किए हैं, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने मार्क किए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने फिजिक्स केमिस्ट्री में सभी में आपको मार्क करा रखे हैं, तो उसके लिए आपको हमारी वीडियो देखनी होगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड हमारी वीडियो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए हैं कि जो आपको एग्जाम से रिलेटेड है। तो आप अगर उन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप उसमें 90 प्लस तक स्कोर कर सकते हैं। तो ये सभी वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको करने हैं एग्जाम से रिलेटेड, आप उस वीडियो को जाकर देख लें और इन सभी क्वेश्चन को करके जाएं, आपको डेफिनेटली अच्छा स्कोर मिलेगा। तो आप इनको अच्छे से प्रिपेयर करें अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। उन सभी के जो सॉल्यूशन है, इन सभी के सॉल्यूशन भी आपको फुल लेक्चर मिल जाएगा जो आपने ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इनके सभी एमसीक्यू पार्ट जो हमारी न्यू बुक है, इसमें जितने भी एमसीक्यूज पार्ट हैं उस पर हमने एक अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इन सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस की तो आपको प्रिपरेशन करनी है। अगर आप इन एमसीक्यूज क्वेश्चन की प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आपके एमसीक्यू कहीं भी नहीं जाते हैं, आप एमसीक्यूज इन्हीं से ही अपने कवर कर लोगे। तो आपको डरना नहीं है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। क्लास नाइन्थ का एग्जाम सिंपल आता है, बिल्कुल ज्यादा टफ नहीं आता, मीडियम लेवल का आता है। तो मोस्टली 80% क्वेश्चन तो आप इजिली कर लोगे अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट, बस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट देखें और उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने मार्क कराए हैं सभी चैप्टर में। तो यहाँ पर सभी चैप्टर्स में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कराए हैं, आप सभी चैप्टर्स के लिए देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा ये एक्सपेंशन है, इसमें देख सकते हैं। तो ये सभी आपका क्या है, सिंपल चैप्टर्स हैं, इन सभी के हमने क्या किए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क किए हैं। अब जैसे हमारा ट्रायंगल चैप्टर है, ट्रायंगल चैप्टर में बच्चे काफी डरते हैं, तो ट्रायंगल का आपको बेसिक इंट्रोडक्शन देखना है कि टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रेंसीज क्या है, इसमें कैसे कॉन्ग्रेंस शो करते हैं, और आप इसके सिंपल क्वेश्चन कर सकते हैं, इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब देखो मोस्टली चैप्टर्स अगर आप देखो इसमें तो कुछ टफ चैप्टर्स भी हैं जिनको आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन कुछ चैप्टर्स हैं जिसको आपको करना चाहिए। जैसे रेशनल नंबर फर्स्ट चैप्टर सभी को करना चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट इन और सिंपल इंटरेस्ट, ये बेसिक फॉर्मुला बेस्ड कुछ चैप्टर्स इनको कर सकते हैं। एक्सपेंशन फैक्टराइजेशन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस एंड इंडिसेस लॉगरिथम, ये सिंपल चैप्टर्स हैं। लेकिन ज्योमेट्री में काफी बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो आप इसमें से ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल स्किप कर सकते हो, इनक्वालिटीज स्किप कर सकते हो, यहाँ पर ये स्किप कर सकते हो इनको। तो जैसे आप मिड पॉइंट थ्योरम कर लो, पाइथागोरस थ्योरम कर लो, रेक्टिलिनियर फिगर्स कर लो, और कंस्ट्रक्शन और पॉलीगन्स कर लो, ये चैप्टर्स भी अगर आप कर लेते हो तो आपका काफी सिलेबस कवर हो जाएगा। और यहाँ पर आप इन चैप्टर्स को स्किप भी कर सकते हो। मोस्टली बच्चों को सर्कल में प्रॉब्लम आती है, वैसे सर्कल के सिंपल प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसके प्रॉपर्टी बेस्ड जरूर करें तो आप इसमें अच्छा स्कोर करेंगे। स्टैटिक्स और मीन मीडियन ये चैप्टर्स जरूर कर लें, मार्क्स गेनिंग चैप्टर्स हैं और इसमें सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। एरिया पेरीमीटर कर सकते हैं, सॉलिड कर सकते हैं इसमें, और ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन आप जरूर करें, क्योंकि ये वाला तो सभी के सिलेबस में मीन्स जो स्कूल सिलेबस आपको प्रोवाइड कराते हैं स्कूल में। देखो डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स में डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स वो बोल देते हैं कि इस चैप्टर्स को आप मत करिए, लेकिन वैसे तो बोर्ड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर सभी चैप्टर्स आ रहे हैं। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री भी कर सकते हैं आप, तो ट्रिग्नोमेट्री के सभी चैप्टर्स करें। और अगर सभी चैप्टर्स नहीं करना चाहते हैं तो सिर्फ 22, 23 तो एटलीस्ट कर ही लें इसमें, और फिर ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ग्राफिकल सॉल्यूशन एंड डिस्टेंस फॉर्मूला, ये चैप्टर्स अगर आप कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छे स्कोर कर सकते हैं। तो इनको अच्छे से करें और अपने एग्जाम को अच्छे से दें। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पर हेल्प चाहते हैं तो हमारी फॉर्मुला बुक आप परचेज कर सकते हो, जिसका प्राइस हमने 30 रुपीज़ रखा है, उसको आप व्हाट्सएप पर डायरेक्ट हमसे कॉन्टैक्ट करके परचेज कर सकते हैं। तो वहाँ से हम आपको पेमेंट मेथड बता देंगे और आप 30 रुपीज़ पे करके
उस फॉर्मूला बुक को परचेज कर सकते हैं जो आपको कंप्लीट रिवीजन देगा आपके सभी चैप्टर से रिलेटेड। तो उससे आप सिंपल विद इन मिनट्स आप क्या कर सकते हैं, अपना फुल चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं, उसमें सभी फॉर्मूलाज विद कॉन्सेप्ट वहां पर गिवन किए हैं, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही काफ़ी अच्छी फॉर्मूला सीट है वो, उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।